आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका फिट वर्ल्ड हेल्थ केयर में। और आज हम जानेंगे जटामांसी के बारे में। जटामांसी क्या होती है, जटामांसी कैसे इस्तेमाल होती है, जटामांसी के सेवन के क्या क्या फायदे होते हैं, और जटामांसी के सेवन के दौरान हमें किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। जटामांसी का बॉटनिकल नाम नार्डोस्टेकिस जटामांसी होता है। इसके अलावा इसको मांसी, इंडियन नारा, मस्क रूट आदि नामों से भी जाना जाता है। जटामांसी सहपुष्पी औषधीय पौधा होता है जिसका उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। आयुर्वेद में इसको कई बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। चरक संहिता में धूपन द्रव्यों में जटामांसी का उल्लेख मिलता है और सुश्रुत संहिता में वर्णितोपशनीय में जटामांसी का उल्लेख मिलता है। जटामांसी में अवसाद, तनाव और थकान को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं और इसको न्यूरोप्रोटेक्टिव जड़ी बूटी के रूप में आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। जटामांसी की जड़ और पत्ते इसका मुख्य औषधीय हिस्सा हैं। दुर्गम शामक, रोगाणुरोधी और सूजन को कम करने वाले गुणों की वजह से इसको आवश्यक तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब हमने जाना जटामांसी क्या होती है, अब हम जानेंगे जटामांसी के सेवन के क्या क्या फायदे होते हैं। जटामांसी के सेवन के फायदों की बात की जाए तो जटामांसी याददाश्त को मजबूत करने में मददगार होती है। ये दिमाग के लिए एक रामबाण औषधि है और ये प्रभावशाली ढंग से काम करती है। जटामांसी याददाश्त में सुधार करके मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती है। ये मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अचूक दवा है। जटामांसी मेमोरी लॉस की समस्या में भी प्रभावशाली रूप से काम करती है। एक चम्मच जटामांसी चूर्ण को एक कप दूध में मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है। जटामांसी मानसिक थकावट को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। जटामांसी नर्वाइन टॉनिक का काम करती है और आयुर्वेद के अनुसार जटामांसी हमारे दिमाग को शांति प्रदान करती है। ये स्नायु कमजोरी को भी दूर करती है और अगर जटामांसी के साथ अश्वगंधा का सेवन किया जाए तो ये क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम से भी निजात दिलाती है। जटामांसी डिप्रेशन में गुणकारी होती है। डिप्रेशन की स्थिति से निकालने में जटामांसी मदद करती है। ये अवसाद को कम करने वाले एजेंट के रूप में काम करती है। आक्रामक लक्षणों के साथ डिप्रेशन में जटामांसी अकेले ही इस्तेमाल की जाती है। ये आक्रामक और हिंसक व्यवहार को कम करती है और ऊर्जा की कमी को भी ठीक करती है। जटामांसी एंजाइटी की समस्या में लाभकारी होती है। ये बेचैनी और घबराहट को कम करती है, दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखती है और चिंता को दूर करके एंजाइटी में लाभ पहुंचाती है। जटामांसी अनिद्रा की समस्या में राहत प्रदान करती है क्योंकि जटामांसी टेंशन, एंजाइटी और चिड़चिड़ापन को दूर करती है, इसलिए नींद न आने की समस्या में भी आराम मिलता है। जटामांसी मिर्गी में लाभदायक होती है। जटामांसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है और तंत्रिका तंत्र में हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। इसकी वजह से मिर्गी की समस्या में लाभ मिलता है और ये मिर्गी के मरीजों को स्ट्रोक के खतरे से भी बचाती है। जटामांसी हिस्टीरिया की समस्या में कारगर होती है और सरदर्द की समस्या को भी जटामांसी ठीक करती है। जो सरदर्द स्ट्रेस, एंजाइटी या चिंता की वजह से होता है उसमें जटामांसी लाभ पहुंचाती है। जटामांसी बालों के लिए अच्छी होती है। इसका प्रयोग करके बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाया जा सकता है। समय से पहले सफेद होने वाले बालों के लिए जटामांसी एक नेचुरल रेमेडी है। ये बालों को काला बनाए रखने के साथ साथ बालों की लंबाई बढ़ाने में भी मदद करती है। जटामांसी में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं। जटामांसी रक्तचाप की समस्या में प्रभावशाली होती है। बीपी की समस्या का प्राकृतिक इलाज जटामांसी का उपयोग है। आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने और स्वस्थ रहने के लिए जटामांसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये व्यक्ति की नसों को डाइल्यूट करती है जिसकी वजह से बीपी नियंत्रित हो जाता है। जटामांसी नर्व रिलैक्सेंट होती है। इसकी जड़ से निकले हुए तेल से मालिश करने से नसों में बहुत आराम मिलता है। जटामांसी नसों को रिलीफ देती है और इसकी महक भी अच्छी होती है। तो अब हमने जाना जटामांसी के सेवन के क्या क्या फायदे होते हैं। अब हम जानेंगे जटामांसी का सेवन हम कैसे कर सकते हैं। जटामांसी के नेचुरली यूज के लिए आप बाजार से जटामांसी की जड़ ले आएं। अगर ताजी जड़ मिल जाए तो अच्छा है, वरना पंसारी की दुकान पर भी जटामांसी की जड़ मिल जाती है, आप वहां से भी ला सकते हैं। फिर आप जटामांसी की जड़ को अच्छे से धो लें और सुखा लें और ग्राइंडर में अच्छे से पीस के उसका चूर्ण बना लें। फिर किसी साफ कपड़े की मदद से उस चूर्ण को किसी जार में छान लें। आपका जटामांसी का चूर्ण तैयार हो जाएगा। फिर आप सुबह शाम आधी आधी चम्मच जटामांसी के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं दूध के साथ। सोने से एक घंटा पहले एक चम्मच जटामांसी की जड़ का चूर्ण ताजे पानी के साथ लेने से अनिद्रा की समस्या में लाभ होता है। जटामांसी का चूर्ण, वज का चूर्ण और काला नमक 4:2:1 की मात्रा में मिलाकर रख लें और आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 बार लेने से हिस्टीरिया की समस्या में लाभ होता है।
जटामांसी, तगड़, देवदारु, सौठ, कुट आदि को समान मात्रा में पीसकर देसी घी में मिलाकर माथे पर लेप करने से सिर दर्द में लाभ होता है। जटामांसी बाजार में टेबलेट, कैप्सूल, चूर्ण और लिक्विड के रूप में भी बहुत आराम से मिल जाती है। आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। डोज आपको पैकेट पे या बॉटल पे मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जटामांसी के सेवन के दौरान हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जटामांसी का सेवन हमें बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में जटामांसी का सेवन करने से कमजोरी की समस्या हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आप अगली वीडियो आयुर्वेद के किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमको ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी या फेसबुक आईडी पे DM भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और उन सभी के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो से मदद हो सकती है। और ऐसे ही सेहत से संबंधित वीडियो देखने के लिए फिटवर्ल्ड हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।